हर एक इंसान की ज़िंदगी रोलर कोस्टर जैसे होते हैं। सारे काम ख़त्म करके वी हिट द बेड लेट नाइट, कुछ देर बाद सब कुछ अंधेरा, फिर से शुरू होती है एक नया दिन। रोलर कोस्टर की जर्नी फिर से चालू हो जाती है। सूरज की तेज धूप, ट्रैफिक में परेशानियाँ, काम का स्ट्रेस, फैमिली का टेंशन, दिन भर की थकान, सब कुछ मिला के आप हो जाते हो परेशान। इससे छुटकारा कब मिलता है? जब फिर से रात को बेड पर सो जाते हो और कुछ मिनट के बाद आपका नींद आ जाता है, उसके बाद फिर से सब कुछ गायब। लेकिन आपने कभी सोचा है, अगर सो जाने से सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं तो क्यों ना इस प्रोसेस को दिन में भी यूज किया जाए? आप जानना चाहते हो कैसे? तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस, आप देख रहे हो चैनल टेस्टिंग, एंड आज की इस एपिसोड पे हम लोग जाने वाले हैं व्हाट इज सीक्रेट शॉर्टकट ऑफ स्लीप, पावर नैप टेक्निक को यूज करने का सही तरीका क्या है। आप जानोगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके 8 घंटे का नींद को 3 घंटे में खत्म कर लेते थे। एंड लाइक ऑलवेज मेरा कोशिश रहेगा टू मेक दिस टेक्निक ईजी, रियलिस्टिक, सस्टेनेबल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू, जिससे कि आप रेगुलरली इस नैपिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर पाओ। तो पूरी वीडियो को आराम से देखना, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, नैप यानी कि पावर नैप क्या है? नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी नैप यानी कि एक ऐसी स्लीप जिससे ताकत यानी कि पावर मिलता हो। हर रात हम लोग 400 मिनट तक सोते हैं तब जाके रिफ्रेश फील करते हैं, लेकिन पावर नैप यही काम 20 मिनटों में कर सकते हैं। ये बात सच है कि 8 घंटे तक इंसान जो नींद लेती है उसके साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्डिंग, मेटाबॉलिज्म जैसी जटिल प्रक्रिया जुड़ी हुई है। लेकिन आपको 2-3 घंटा तक एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस फ्री रखने के लिए 20 मिनट का ये नींद काफ़ी है। नॉर्मल नींद का बेसिकली 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट 30 मिनट तक लाइट स्लीप, उसके बाद आते हैं स्लो वेव स्लीप और डीप स्लीप। फेमस स्लीप साइंटिस्ट चेम्स मैस, जिसने पावर नैप का कॉन्सेप्ट का खुलासा किया था, उसके हिसाब से एक पावर नैप 20, 60 या 90 मिनट तक हो सकता है। लेकिन 30 मिनट के बाद जब कोई इंसान डीप स्लीप में एंटर कर जाता है, उसके बाद उसका नींद खुलने में परेशानी हो सकता है और भी ज़्यादा स्लीपी फील हो सकता है। दैट्स व्हाई पावर नैप जैसे 20 मिनट का सीक्रेट टेक्निक काम पे आते हैं। अगर बात करें, मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी सारे रीज़न होने के वजह से कर नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए भी पावर नैप इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन कैसे? पावर नैप का काफ़ी सारे फायदा होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल रात में लंबे नींद लेने के बाद सोचते हैं दिन में कोई सोते हैं क्या। बात सही है, लेकिन दिन में भी कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब हम लोग काफ़ी थका हुए रहते हैं, दोपहर का लंच के बाद भी थोड़ा स्लीपी फील होता है, तो उस टाइम कोई प्रोडक्टिव काम भी सही तरह से हो नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप 12 से 3 बजे के बीच में किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पर, चाहे वो सोकर हो या बैठकर हो, आप अगर 20 मिनटों का एक पावर नैप लेने की कोशिश करते हो तो 20 मिनट के बाद आपका अलर्टनेस एंड याद करने की क्षमता, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेके सोचने की क्षमता, ये सारे काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एक फ़ोन का बैटरी चार्ज करने जैसा है। कभी कभी हम लोग फ़ोन के अंदर ऑप्टिमाइज बटन दबाते हैं, सारे ऐप्स क्लोज हो जाते हैं, वही तरह ये 20 मिनट का पावर नैप आपका मेमोरी में चल रहा हुआ सारे काम को रिफ्रेश कर देता है 20 मिनट में। हो सकता है ज़्यादातर इंसान के लिए 8 घंटे की नींद एसेंशियल माना जाता है, बट सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कुछ जाने माने साइंटिस्ट इस सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करके 8 घंटे की जगह 3 घंटे में अपना नींद पूरी कर लेते थे। उन हॉट लिस्ट पर सबसे आगे थे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला द मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। 18 सेंचुरी का इस साइंटिस्ट इतना सारा इन्वेंशन कर चुके थे जिसका लिस्ट पढ़ने में घंटे लग जाएंगे। ए जीनियस साइंटिस्ट 24 आवर्स में बस 3 घंटे का नींद लेते थे, लेकिन दिन में 3 बार 20 मिनट का पावर नैप कभी भी मिस नहीं करते थे, जो कि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन डोंट फॉरगेट,
द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी, यानी कि इम्पॉसिबल जैसे कोई शब्द मेरे अभिधान में मौजूद नहीं है। ये बात कही थी 17th सेंचुरी का एक जाने माने लीडर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट खुद मानते थे लड़कों के लिए 6 घंटा नींद, लड़कियों के लिए 7 घंटा एंड मूर्ख के लिए 8 घंटा नींद काफी है। कहावत ये भी है, नेपोलियन भी पावर नैप का एक बड़ा फैन थे। कभी युद्ध चलते चलते और कभी घोड़ों पर सवार होते होते भी वो 20 मिनट का नैप लेते थे। कुछ ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट भी थे जिनको लगता था नींद लेना इंसान के लिए एक टाइम वेस्ट है। लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकार जिसने मोनालिसा पेंट किया था, जिसके प्राइस 2020 में 100 करोड़ से भी ज्यादा है, नींद के वजह से टाइम वेस्ट को कम करने के लिए विंची खुद पॉलीफेजिक स्लीप शेड्यूल प्रैक्टिस करते थे। इंसान जब हर 4 घंटा बाद एक बार सोते हैं, वो भी 20 मिनटों के लिए, तब उसको पॉलीफेजिक स्लीप कहते हैं। तो इतना कुछ पता होने के बाद आप इजीली समझ सकते हो वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो जीनियस लीडर हो, चाहे वो महान कलाकार हो, सबके पास एक सीक्रेट जरूर था, वो है पावर नैप। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इस टेक्निक को यूज करने के सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए आपको पावर नैप की जरूरत आखिर में है या नहीं। अगर आप मानते हो कि इस टेक्निक से आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको पावर नैप लेने के लिए एक ऐसी जगह सेट करना चाहिए जहां शोर काफी कम हो। द सेकेंड थिंग इज, आपको अपना मोबाइल में एक अलार्म भी सेट करना पड़ेगा, जिससे वीडियो खत्म होने के बाद इस सीक्रेट टेक्निक को आप जिंदगी भर के लिए यूज कर पाओगे, वो भी आपके चुने हुए टाइम पर। आपका अलार्म रिंग होते ही आपको 20 मिनट के लिए सब कुछ भूल के अपना आंख बंद करना है एंड जितना जल्दी हो सके नींद के अंदर चले जाना है, एंड दैट्स इट। आपको पावर नैप के बारे में सब कुछ पता चल गया है। नाउ इट्स अप टू यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 20 मिनटों से ज्यादा नहीं। पता है ना, अंडे ज्यादा देर तक बॉयल करने से क्या होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, 20 मिनट ओनली। अगर अभी तक आप डिसाइड कर चुके हो कि आप पावर नैप आज से लेना स्टार्ट करोगे, देन टेल मी वन थिंग, आप कब से पावर लेना शुरू करोगे? प्रॉमिस में आपको क्या लगता है, पावर नैप क्या सच में काम की है? आप कमेंट करके जरूर बताओ, तभी आप इस टेक्निक को यूज कर पाओगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है पावर नैप को लेके, तो आप किसी भी टाइप का कोई भी सजेशन देना चाहते हो, देन फील फ्री टू यूज द कॉमेंट बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्पीक अबाउट सम बोनस पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, अगर पॉसिबल है पावर नैप से पहले टेक सम कॉफी और 1 कप ऑफ टी। इससे 2 चीज होगा। फर्स्ट, नैप खत्म होने के बाद आपको एडिशनल 50% मोर एनर्जी बूस्ट मिलेगा। सेकंड, 20 मिनट बाद आपको उठने में आसानी होगी, डीप स्लीप में जाने तक खतरा कम रहेगा। यूज हेडफोन्स विथ व्हाइट नॉइस और कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक, अगर ज्यादा शोर है तब, नहीं तो म्यूजिक यूज करना बेहतर नहीं है, क्योंकि इससे भी ब्रेन का प्रोसेस चालू रहता है और पावर नैप का जो प्रोसेस है ये उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर शोर काफ़ी ज़्यादा है तो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाकर सो जाओ। मेरे कुछ फेवरेट व्हाइट नॉइस की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। एट लास्ट, यूज ए पावर नैप अलार्म, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। मेरे हिसाब से पावर नैप के लिए प्ले स्टोर में जितने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, सबसे ईजी एंड रिलायबल ऐप्स हैं नैप टाइम। आप वीडियो के टाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ वीडियो के टाइल के ऊपर क्लिक करके आप इस ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। बट 20 मिनट से ज़्यादा टाइम गलती से भी मत सेट करना। यू गॉट इट? सो यूज ऑल दोज टिप्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाल बटन पे क्लिक करो, जरूर क्लिक करो। आज के लिए मैं था प्रिंस आपका होस्ट, एंड आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आज का एपिसोड। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के तलाश में हो, देन यू कैन वॉच दिस एपिसोड्स। सी यू।